सभी दोस्तों को मनीष कुमार सिन्हा का प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, माताएं बहनें जो भी हैं, मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि कल लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, चुनाव 2019। दोस्तों, आज हमें सोचने की जरूरत है कि भारत का सही विकल्प कौन है, कौन बेहतर सरकार चला रहा है, कौन हम युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी है उसके लिए तत्पर है। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमें क्या चाहिए, हमें अमन, चैन, शांति चाहिए, हमें हमारा विकास चाहिए, व्यापार चाहिए, नौकरी चाहिए, और इन सब के लिए जो सरकारें काम करेगी हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी विकल्प सिर्फ एक है देश के लिए, वो है भाजपा सरकार। और मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाजपा काम कर रही है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, जिसका हम लोग भी समय समय पर विरोध करते हैं। खैर, विरोध और समर्थन तो चलता रहेगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो देश हित में हो वही अभी हम युवाओं को सोचना है और वही काम करना है। भाइयों, मुझे याद है 2008 में 29/11 को जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, लाश के चिथड़े नजर आ रहे थे, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई थी, माताएं बहनें भाइयों सभी लोगों की लाशें बिखरी हुई थी। पाकिस्तान ने हमला किया था, लेकिन उस समय की मौजूदा सरकार कांग्रेस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस बोलते रह गई कि ये इसने हमला किया है, इसके सारे सबूत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं हो रही थी और कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं किया और न कर पाई। हमारी सेना भी मजबूर थी काम करने के लिए, सही से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज देश की स्थिति बदल गई है, आज कानून का राज सही में नजर आता है। अभी हाल में ही पुलवामा में जो अटैक हुआ था, 40 हमारे वीर जवान शहीद गति को प्राप्त हो गए थे। मोदी सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए 10 दिनों के अंदर ही 40 के बदले 400 को मारा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत तरह की बात है। इसीलिए हम युवाओं को, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, भटकना नहीं है, और जहां एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रहे हमें उनको जिताना है, हमें देश बचाना है, देश बेचना नहीं है। और एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूं कि आज कई योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस प्रकार की लगभग 135 सरकारी योजनाएं देश में चल रही है। और कांग्रेस ने हमें क्या दिया, 1971 में नगर वाला स्कैंडल, 1973 में मारुति कार स्कैंडल, बोफोर्स घोटाला 1990 में, वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2011, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला 2013। इतना होने के बावजूद भी क्या हम उस कांग्रेस को वोट देंगे, उस कांग्रेस को आगे बढ़ावेंगे जो देश हित में नहीं है? हमें देश हित में जो सरकारें काम कर रही है उसके बारे में सोचना है और ऐसी सरकारों को चुनना है और लाना है। दोस्तों, नोटा हमारा विकल्प नहीं है, अपने मत का प्रयोग कीजिए। हमारा एक मत राष्ट्र को बनाता और बिगाड़ता है, इसीलिए
मैं जितने भी युवा हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी माताएं बहने हैं, उन सारे लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाएं, ना कि देश को बिगाड़ें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।